नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पानीपत स्थित नए बस स्टैंड से सिटी बस सर्विस की शुरुआत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई बस सर्विस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगम साबित होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा सरकार में 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है। हरियाणा का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए दूसरे जिले से जुड़ा है। प्रदेश में अब तक 72 रेलवे ओवरब्रिज अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। इसके अलावा 52 अभी भी निर्माणाधीन है। इन वाहनों के चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती अच्छी सड़कों की, तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी जितनी गति से मरम्मत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा है। अब आगे से हमने तय किया है कि नई सड़कों की आवश्यकता बहुत अधिक हरियाणा में उतनी नहीं रही, जितनी पुरानी सड़कें हैं उनको मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। तो हमारे बजट का पहला काम होगा जो सड़कें हैं उनको विस्तारीकरण करना, उनको चौड़ाकरण करना, उनको मजबूतीकरण करना, उसकी मुरम्मत करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवेज इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की, हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये एक सड़क चाहिए तो उनका कि ठीक है मंजूर कर दी और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार के जो हमारी नेशनल हाईवे है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ तो है लेकिन ईस्ट वेस्ट का एक मार्ग नॉर्थ से यानी ईस्ट से पानीपत और वेस्ट में डबवाली इसको कनेक्ट करते हुए एक नेशनल हाईवे बने ये भी मंजूर हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भविष्य में जिला सड़क तक आने वाले सभी फाटक हटाए जाएंगे। आरआरटीसी से प्रोजेक्ट में सराय काले खां से पानीपत को जोड़ने का काम किया जा रहा है। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हिसार एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हिसार हांसी रेल लाइन शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में 3 एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। केएमपी जो रोड बनाया गया है दिल्ली से बाहर बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर जोशी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है, क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, अब कई कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई कई फाटक आ गए हैं। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र भी
चार या पांच फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके रोड को सीधा किया जाए, एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। जितने भी आरओबीज आरयूबीज है रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है, वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना मैंने बनाई, 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है, 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं, यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत, ये भी मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है, मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है, रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा, तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट, पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है और जो देश में सर्वाधिक है। तो ये वही सीएम ने कहा कि करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। रोडवेज में 3,500 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती और 1,500 भर्ती रोजगार निगम के जरिए की गई है। हरियाणा रोडवेज के जरिए 11 लाख यात्री हर रोज 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हैं। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा वो करनाल से ही अगला चुनाव लड़ेंगे। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और वैसे तो इन 3 C की जननी भी एक 4th C है, उसको भी समाप्त करना है हमको, और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संकेत में कर रहा हूं कि 4th C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है, एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से एचकेएन से युवकों को लिया है, ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोड में कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं, और जहां तक एचकेएन का विषय है 1,500 लोग उसमें भी भर्ती किए हैं, 5,000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है, और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं, आज के दिन हरियाणा जब से बना है एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है, एवर हाईएस्ट 4,651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं। और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही है, तो ऐसे 5,000 से ऊपर
और जो इसके अलावा जो हमारी परमानेंट रूट की बसें हैं वो शायद 1300 वो भी है। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए, ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोड को मिला हुआ। आज अगर 4 डिपोज की बसें, 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोड की बस है उसके अंदर बैठना चाहिए। हरियाणा रोड की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी चलती हैं लगातार। और एक जानकारी आपके लिए कि प्रतिदिन हमारी हरियाणा रोड की बसों में 11 लाख यात्री ये ट्रेवल करते हैं, 11 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं। और अगर उसके निकालू तो इनका जो किलोमीटरेज है वो भी प्रतिदिन का 11 लाख किलोमीटर बनता है। 11 लाख किलोमीटर में 11 लाख सवारियां ये ट्रेवल करती हैं, अर्थात एक बस में अगर 50 सवारियां आती हैं तो 50 सवारियां यानी 50 किलोमीटर तक 50 सवारियां चलती हैं। तो इसके अंदर सवारियों को सुविधा है, इस नाते से बहुत श्रेणियों को हमने मुफ्त में भी यानी यात्रा करने का एक मौका दिया हुआ है। आज के ये 7 दिन का तो एक टेम्परेरी फेज इसलिए है कि लोगों को जैसे चाय पीने की आदत पहले लगाई गई थी, मुफ्त चाय पिलाते थे, बाद में चाय का 20 रुपए कप हो गया क्या? ऐसे ही इस यात्रा में आदत लगे सबको तो फिर हिसाब किताब तो हमारे नवदीप जी कर लेंगे कि कितना किराया लेना है। और कोई बहुत ज्यादा सिटी को देखते हुए जितना खर्चा अपनी गाड़ी पर आता उसके मुकाबले में तो शायद क्या रखा है, 10 रुपए 15 रुपए हमने जो कुछ रेट रखे हैं, 10 रुपए मिनिमम 10 रुपया है, फिर 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया यानी हर किलोमीटर के हिसाब से, यानी ज्यादा ज्यादा 28 से 30 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा तो वो 50 रुपए मैक्सिमम 10 से लेकर 50 रुपए तक दूर की सवारियां जो है वो उसको लेंगे। बहरहाल सीएम मनोहर लाल विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं जिसका असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं जनता भी सीएम के कार्य से खुश नजर आ रही है और मुख्यमंत्री का गुणगान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा सरकार एक्टिव और हाईटेक मोड पर है, इसके तहत सरकार लोगों को घर बैठे सुविधा भी मुहैया करा रही है। बता दें कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े इसके लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था और तब से लेकर अब तक 1,40,000 बुजुर्गों का भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना किया है। हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा और पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक तक होगी, उनका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसके लिए केवल उस व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि केवल 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जबकि सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 2,750 रुपए प्रति महीने कर दिया है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2,750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2,750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि जब 2014 में सरकार बनी
तो उस वक्त ये दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन बनाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या सम्मान कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था की वजह से जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो इसके लाभ से वंचित रह जाते थे और जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी उन्हें इसका लाभ मिल जाता था। सरकार ने बुजुर्गों के इस दुख को समझा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ना ही दरख्वास्त करनी पड़ती है और ना ही दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी, कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी SDM के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनके नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत चिरायु योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में इतना ही। नमस्कार।